अस्सलाम वालेकुम। तो अब चलते हैं हम अपने जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारी इंटर फिज़िक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 17, और इसका सबसे मेन टॉपिक, जो मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ द स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टाइन ने दी थी। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो और कुछ नहीं, वो असल में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही, जब मतलब वहाँ जिस चीज़ पे वैलिड नहीं हुआ था और जब हाई स्पीड से ऑब्जेक्ट्स मूव करना शुरू हुए तो वो वैलिड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इनटू बीइंग आई, और यहाँ पे आइंस्टाइन ने अपनी रिसर्च की। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसमें दो, मतलब आप उसको डिफरेंट वेज से पढ़ सकते हैं कि मैं मतलब इसके जो है रिजल्ट्स जो हैं, जो चार मेन रिजल्ट्स हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन, तो मैं जो है मैंने जिस तरह पढ़ा था उसी तरह से मैं आपको जो है आपसे डिस्कस करूँगा। और वो इस तरह है कि मैं पहले जो है जनरली जो बुक में बातें लिखी हुई हैं सारी और जो जनरल चीज़ें हैं उन चीज़ों को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से मैं डिस्कस करता जाऊँगा, जो आइंस्टाइन ने बातें कही थी, लेकिन उनके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है, जो मकसद है, और वो जो है वो इंशाल्लाह अगर ये वीडियो लंबी ना हुई तो इसमें डिस्कस करेंगे, वरना इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में। और वही जो है सारी मेन चीज़ें होंगी जो कि एक्सप्लेन, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जो इसने ये बातें कही थी उनका क्या प्रूफ है। तो अब चलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कुछ नहीं, बस इस जैसे मैंने बताया था कि इसका बेस यही है कि एक फ्रेम में रहकर दूसरे फ्रेम में हम ऑब्जर्व करें, यही है मेनली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन आइंस्टाइन ने जब फिर इस पर रिसर्च की तो आइंस्टाइन जो है उसको, उसने जो है दो डिफरेंट चीज़ें मतलब उसने हासिल की, वो ये हैं कि जब फिर उसने जो है अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और वो जो है वो है, एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये दो उसने उसमें डिवाइड कर दिया, दो थ्योरीज़ में इसको उसने डिवाइड कर दिया। अब उसने इसमें बताया क्या था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि हमारे कोर्स में डिस्कस्ड है, और जो जनरल थ्योरी है वो हमारे कोर्स में डिस्कस नहीं है, तो हम इस पे जनरल पे इतनी ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, लेकिन बस जो सिंपल जो दोनों को डिफरेंशिएटिंग जो बातें हैं वो मैं बता दूंगा। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो है हम इनर्शियल फ्रेम को पढ़ते हैं, इनर्शियल फ्रेम की जो स्टडी है उसको हम जो है इसमें स्पेशल में पढ़ते हैं। ये है क्या, ये है पूरी जो है मैं हम डिस्कस कर रहे हैं आज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो है इनर्शियल फ्रेम में डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमने जो नॉर्मल स्पीड्स की बात जो है वो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कर ली, अब हम कर रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू हों। तो ये है इनर्शियल फ्रेम, तो सिंपल है क्या, ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। अब है कि इनर्शियल फ्रेम हम जानते हैं, इनर्शियल फ्रेम में यूनिफॉर्म मोशन होगा, और क्योंकि यहाँ से लाइट है तो मतलब कि स्पीड जो होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी विद द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है, और इसमें स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट बट नॉन यूनिफॉर्म। इतना सा सिंपल है ये, लेकिन ये जो है हमारे कोर्स में डिस्कस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फोर्स का इन्वॉल्वमेंट, उनके वेक्टर्स, डायरेक्शंस, तो इसमें बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है, इसलिए ये हमारे कोर्स में भी डिस्कस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो डिस्कस्ड है, तो हम इसको चलें, हम अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ते हैं डिटेल में। आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बेसिकली जो है उसने जो है दो पोस्टुलेट्स दिए थे, इसमें दो पोस्टुलेट्स, और इसने जो है चार रिजल्ट्स दिए थे, फोर रिजल्ट्स, ठीक है, जिसमें से तीन जो हैं वो बेसिक रिजल्ट्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड होता है, और एक जो है जस्ट उसने एक कंसिडरेशन की थी, जस्ट एक अंडर कंसिडरेशन थी। तो जो इसने जो है चार रिजल्ट्स दिए थे। अब क्या थे पोस्टुलेट्स, तो पहला पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट, उसने पहले पोस्टुलेट उसने सिंपल ये कहा था कि ऑल
इनर्शियल, ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर इक्विवेलेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल लॉस। ये था इसका पहला पोस्टुलेट। अच्छा, पोस्टुलेट के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। पोस्टुलेट मतलब पोस्टुलेट उसने क्यों दिया, मतलब कि आप इस तरह समझें कि जिस तरह मैं आपको सिंपल एक रेफरेंस देकर समझाऊंगा कि जिस तरह बोहर्स ने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे ना, बोहर्स ने, और फिर उससे उन पोस्टुलेट से उसने अपने जो है एनर्जी ऑफ एटम निकाला, उसने रेडियस ऑफ एटम निकाला। तो क्योंकि वो एनर्जी ऑफ एटम फिर जब देखा गया तो ये सही आ रहा था और रेडियस ऑफ एटम भी सही, तो ये भी उसके माना गया कि उसके पोस्टुलेट्स भी सही हैं। इसी तरह कुछ इस केस में इसने अपने कुछ पोस्टुलेट, कुछ रूल्स देकर और फिर उस थ्योरी को समझाया गया है और उसने फिर आगे प्रूव किया कि जो उसकी कंसिडरेशन थी वो सही थी, तो इस वजह से उसने ये पोस्टुलेट्स दिए थे। तो अब ये क्या है, ऑल इनर्शियल फ्रेम आर इक्विवेलेंट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल लॉज। इसमें उसने सिंपली ये बताया है कि जो जब चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू हो जाएं और वो इनर्शियल फ्रेम में हों, तो आप उसको इसी तरह कंसिडर करें जिस तरह नॉर्मल स्पीड पे चीज़ें चल रही होती हैं, जिस तरह नॉर्मल स्पीड पे चल रही होती हैं वैसे ही हैं। उस पर आप, उसमें अगर पेंडुलम आप मूव करना शुरू कर दें, उसके जो फार्मूलाज हैं वो वैलिड होंगे। आप एफ इक्वल्स टू एम ए का कोई उसमें प्रैक्टिकल कर लें तो वो वैलिड होगा। तो मतलब कि सिंपली कि वो इस तरह जब भी इनर्शियल फ्रेम में बात हो, भले वो स्पीड ऑफ लाइट से क्यों ना हो, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल लॉज, जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल लॉज होगा वो सेम होगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, वो एज अ सिंपल होगा जिस तरह जैसे कि हम नॉर्मली स्पीड पे चलते हैं। क्योंकि स्पीड, और क्योंकि हमने जिस तरह, मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो सेकंड वाला है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म और रेस्ट में कोई भी चेंजेस, मोस्टली जो कोई भी चेंजेस जो हैं वो ऑब्जर्व नहीं हो रही थी, सेम चेंज मतलब सेम ही दोनों के रिजल्ट्स थे। तो पहली कंसिडरेशन तो उसकी ये थी। जो दूसरी कंसिडरेशन थी वो ये थी कि सी जो कि है स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। और उसने ये भी कहा था कि इट इज़ सेम, हम एज अ वैक्यूम कंसिडर कर लेंगे कि मतलब कि उसने ये कहा था कि इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये कहीं भी चेंज नहीं होती, और भले जो है ऑब्जर्वर मोशन में हो या वो मोशन में हो या सोर्स मोशन में हो, तो सी जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और वो हर जगह सेम ही होगी, ना इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और ये इंडिपेंडेंट है मोशन ऑफ ऑब्जर्वर या मोशन ऑफ सोर्स, ठीक है। ये दो इसने सिंपल पोस्टुलेट्स दे दिए थे। और अब चलते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से इनको समझाता हूँ। फॉर सपोज करें, पहला फ्रेम, एक फ्रेम है ये हमारे पास, ठीक है, फ्रेम नंबर वन, और इधर है हमारे पास फ्रेम नंबर टू, ठीक है, दो फ्रेम्स हैं, ठीक है। ये इधर जो है ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट में है, और ये है जो मूविंग फ्रेम है, ठीक है, ये मूविंग फ्रेम है, इसमें भी एक पर्सन, ठीक है। इसके पास है, फॉर एग्जांपल करें कि एक लेज़र लाइट, इसने वो लेज़र लाइट चलाई, ठीक है, लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी, ठीक है। फॉर सपोज करें ये फ्रेम जो है वो ये मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल हम एक कंसिडरेशन लेते हैं कि ये मूव कर रहा है विद द स्पीड इक्वल्स टू 0.5c से मूव कर रही है ये, और हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, उस स्पीड ऑफ लाइट को क्या ऑब्जर्व करेगा? तो अकॉर्डिंग टू द गैलीलियन v डैश इक्वल्स टू वी प्लस यू, और इसके हिसाब से जो है स्पीड जो हुई वो हुई 0.5c, यानी कि स्पीड ऑफ द सोर्स जो है 0.5c, और स्पीड जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ 1c, और आंसर आया 1.5c। तो
मतलब कि इसका मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू गैलीलियन जो ऑब्जर्वर है वो जो स्पीड ऑफ लाइट नोट करेगा वो नोट करेगा 1.5 c, मतलब कि c से 0.5 ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आइंस्टाइन कहता है कि ऐसा नहीं है, और ये प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा नहीं है, और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज होगी। और तो इसने यही पोस्टुलेट दिया था कि सी इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, और यहीं पे गैलीलियन फेल हुआ था, गैलीलियन का वर्क जो है यहाँ पे स्टॉप हुआ था कि जब स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगी तो उसका जो लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन है वो काम करना छोड़ दिया था, उसने काम करना छोड़ दिया था, और यहाँ पे 1.5 c नहीं बल्कि सी ही ऑब्जर्व करता है वो। अच्छा, सिंपल अगर एंट्री टेस्ट में आपके पास सवाल आता है कि आपके पास एक स्पेसशिप है जो कि 0.5 c से मूव कर रही है और दूसरी स्पेसशिप है जो कि 0.7 c से मूव कर रही है, तो यहाँ पे सवाल आता है कि अगर दोनों ने टॉर्चेस ओपन की तो बताइए कि जो ऑब्जर्व कर रहा है उनको वो उसको क्या उनकी स्पीड्स नज़र आएगी। तो इसका सिंपल जवाब यही है कि उसको कोई चेंज नहीं नज़र आएगा, उसको 1 c ही नज़र आएगी जो स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि आइंस्टाइन अपने पोस्टुलेट में कह चुका है कि सी इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं होगी, और तो उसको सी ही ऑब्जर्व होगी। उसका जो पहला रिज़ल्ट है, उसका पहला रिज़ल्ट है मास इंक्रीमेंट, मास इंक्रीमेंट, ठीक है। आपको मैं पहले जस्ट वो बातें बता रहा हूँ कि जो आइंस्टाइन ने कही, जो आइंस्टाइन ने सोची, उसने मतलब ये क्या सोचा उसने, इसने इतनी जो रिसर्च की, बस सिंपली मैं वो बातें बता रहा हूँ जो उसने कही, जो बुक में लिखी हुई हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। और तो मास इंक्रीमेंट उसने कहा क्या, उसने सिंपली ये कहा कि एक फ्रेम में अगर रहकर एक बंदा एक ऑब्जर्वर है और दूसरा फ्रेम जो मूविंग फ्रेम है, और उस मूविंग फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो, तो जो ऑब्जर्वर है, जो बंदा यहाँ पे बैठा है, वो जब ये मूव, ये जो फ्रेम मूविंग फ्रेम है, ये रेस्ट वाला फ्रेम है, और जब ये मूविंग फ्रेम में मूविंग फ्रेम जो है वो अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जर्वर है वो ये ऑब्जर्व करेगा कि इसका जो ओरिजिनल मास है, जो है इसका जो ओरिजिनल मास है उससे ज़्यादा ये मास ऑब्जर्व करेगा। अब किस सफर सपोज़ कर लें, इसको जो एम नॉट दे देते हैं हम ओरिजिनल मास को, और जो ऑब्जर्व्ड मास है उसको एम कह देते हैं। तो ये कह रहा है कि जब ये मूव करने लगेगा स्पीड ऑफ लाइट के, जो ये फ्रेम है मूव करने लगेगा, तो जो ऑब्जर्व्ड मास होगा वो ज़्यादा होगा बनिस्बत जो कि ओरिजिनल मास है। ये इसका कहना था कि एक सपोज़ करें शिप मूव कर रही है, उसमें एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो अच्छा ये अपने फ्रेम के हिसाब से रेस्ट में है लेकिन इसके हिसाब से मूविंग में। अच्छा एक चीज़ है कि पता नहीं आपको ये कॉन्सेप्ट हो कि रिलेटिव मोशन का, कि एब्सोल्यूट ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एब्सोल्यूट ना कभी रेस्ट में होता है ना वो एब्सोल्यूट कभी मोशन में होता है। फॉर सपोज करें एक लैपटॉप पड़ा है मेरे सामने, ठीक है, मेरे लिए वो रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान, कोई जो ऑब्जर्वर है वो हमें मून से ऑब्जर्व करे या किसी और जगह से ऑब्जर्व करे, उसके लिए तो वो अर्थ मूविंग है, यानी कि उसके लिए वो लैपटॉप भी मूविंग है। तो मतलब कि कोई भी चीज़ ना एब्सोल्यूट रेस्ट में होगी ना एब्सोल्यूट मोशन में होगी, वो हमेशा रिलेटिव रेस्ट या रिलेटिव मोशन होगी। अब इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने फ्रेम अपने शिप के हिसाब से तो रेस्ट में है लेकिन इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये मोशन में है, ठीक है। तो इसने ये सिंपल बात कही थी कि ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व्ड मास होगा, और जो ऑब्जर्व्ड मास होगा m, वो ग्रेटर होगा m नॉट, उसने ये बात कही थी। अब ये किस तरह कैसे, ये आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मतलब बताऊंगा कि मतलब ये किस तरह इसने ऑब्जर्व किया, वो वीडियो आपको लाजमी देखनी है, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और आपके फुल क्लियर होंगे जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये था इसका रिज़ल्ट नंबर 1। अच्छा मज़े की बात यह है कि आइंस्टाइन ने ये बता भी दिया, और आइंस्टाइन ने मज़े की बात यह है कि उसने एक फार्मूला भी दे दिया कि भाई ये लो फार्मूला, आप इससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ कोई भी जो फ्रेम है स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो और उसमें जो ऑब्जेक्ट पड़ा हो, और उसका ये फार्मूला उसने दे दिया, फार्मूला भी दे दिया कि लो भाई मास कैलकुलेट कर लो, जाओ m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन
रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उसने ये फार्मूला दे दिया, बुक में लिखा हुआ है, तो उसने ये फार्मूला भी दे दिया। अब कैसे दिया ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो उसने मतलब इसकी सिंपल स्टेटमेंट जो थी वो ये थी कि मूविंग मास अपीयर्स लार्जर देन द मास इन रेस्ट। ये थी इसकी सिंपल रूल, उसका नंबर वन। इसका जो है मैं एक होमवर्क दूंगा आपको सिंपल, आप उस पर मतलब आप उस पर आप इसको सॉल्व करें, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके रिज़ल्ट और क्यों मैंने ये होमवर्क दिया है और तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो मास है एक 1 kg का, 0.5 c से मूव कर रहा है, तो इसका जो वो है ये m नॉट ओरिजिनल मास है, तो m फाइंड करें। ठीक है, तो मतलब कि 1 kg का है, तो सपोज़ के अगर इसका ओरिजिनल मास 1 kg का है तो जो ऑब्जर्व्ड मास होगा वो तकरीबन 1.5 kg, 2 kg, लेकिन एक 1 kg नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा हमेशा। तो बस इसका रिज़ल्ट आप फाइंड करें। और अब चलते हैं इसके दूसरे रिज़ल्ट पे, जो कि है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और जो दूसरा रिज़ल्ट है वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें भी उसने यही बात की, एक अजीब, एक और नई अजीब बात, कि अगर एक फ्रेम रेस्ट में हो और एक मूविंग फ्रेम हो, ये मूविंग फ्रेम है, ये रेस्ट में है, और जो मूविंग फ्रेम है वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी इक्वल्स टू सी, तो जो जो लेंथ, इसमें एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है लेंथ, इसको हमने एल नॉट दे दिया, जो ऑब्जर्व्ड लेंथ है उसको एल। अब सब ये लेंथ इसके फ्रेम के हिसाब से तो रेस्ट में है, लेकिन जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो क्या नोट करेगा कि जो ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा कि ये मोशन में है। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने सिंपल फिर एक और नई अजीब भी बात कही कि जब ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो लेंथ एट रेस्ट है वो जो है ज़्यादा होगी बनिस्बत जो कि ऑब्जर्व्ड लेंथ है। ठीक है, तो जो मतलब कि जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है लेंथ वो कम हो जाती है बनिस्बत जो ओरिजिनल लेंथ के है। तो ये फिर एक नई बात, इसका फिर हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसने फिर इसके लिए भी एक फार्मूला दे दिया, जिस तरह इसने मास के लिए फार्मूला दे दिया, एल इक्वल्स टू एल नॉट और 1 माइनस रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उसने ये फार्मूला दे दिया कि जाओ कैलकुलेट कर लो लेंथ। ठीक है, सपोज़ करें कि ओरिजिनल लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो जब ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करना शुरू कर दे तो जो ऑब्जर्व्ड लेंथ होगी वो, फॉर एग्जांपल सपोज़ करें 0.7 मीटर हो, 0.6, 0.5 मीटर हो, लेकिन मतलब इससे कम ही होगी, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये उसने दिया था इसने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और इस पर भी मैं एक सिंपल एग्जांपल मतलब आपको होमवर्क दूंगा कि आप ये कर लें, इसको सॉल्व कर लें। और फॉर एग्जांपल के जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 59 माइक्रोमीटर और स्पीड ऑफ लाइट है स्पीड है वो है 0.9 c। और फाइंड करें कि लेंथ ऑब्जर्व्ड क्या होगी। तो इसके चलते हैं तीसरे रिजल्ट पे, जो कि है टाइम डायलेशन। डायलेशन सिंपल मतलब के एक्सपेंड होना और फैलना, ज़्यादा होना, तो टाइम डायलेशन ये है। ये इसकी सबसे जो है मेन मतलब इसने जो सबसे अजूबी बात कही थी वो यही थी टाइम डायलेशन। और इसने मतलब एक हैरान कर देने वाली बात कही कि आप सपोज़ करें एक रेस्ट में है और एक मोशन में है फ्रेम। ठीक है, मोशन यानी कि कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है। दोनों फ्रेम्स में हमने एक एक स्टॉप वॉच रखी, एक एक स्टॉप वॉच रखी दोनों फ्रेम्स में। और जब ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू हुआ तो हमने दोनों में जो है स्टॉप वॉच सेम टाइम पे ऑन की और फिर थोड़ी देर बाद उसको स्टॉप कर दिया। और ये ऑब्जर्व्ड हुआ, ये उसने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रेम रेस्ट में है उसमें ज़्यादा टाइम कवर हुआ है और इसमें थोड़ा टाइम कवर हुआ है। मतलब एक अजीब बात कि दोनों में टाइम का भी चेंज आ गया, तो जो ऑब्जर्व्ड टाइम टी और जो ओरिजिनल टाइम टी नॉट। तो इसने क्या कहा
कि जो टी ऑब्जर्व्ड है वो ग्रेटर है फ्रॉम द ओरिजिनल टाइम, मतलब एक बिल्कुल ही अजीब बात के फॉर एग्जांपल करें कि अगर इस घड़ी में 25 सेकंड शो हो रहे हैं 25 सेकंड, तो उस घड़ी में 15 सेकंड शो हो रहे हैं। मतलब कि हम अगर इसको दो चीज़ों में कह सकते हैं, आइधर हम कहें कि मूविंग क्लॉक रन्स स्लोअर, हम इसका एक कंक्लूजन ये भी दे सकते हैं कि मूविंग क्लॉक जो है वो स्लो चल रहा है, या हम कह सकते हैं द रेस्ट, या रेस्ट के बजाय हम अगर कहेंगे ऑब्जर्वर्स क्लॉक, ऑब्जर्वर्स क्लॉक रन्स फास्ट फास्ट, तो उसको हम दो चीज़ों में कह सकते हैं। इसका भी इसने फार्मूला दे दिया कि भाई ये लो कैलकुलेट कर लो, अब कैलकुलेट कर लो, टीना अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसने ये भी फार्मूला दे दिया कि इस टाइम को कैलकुलेट कर लो। अच्छा, एक चीज़ जो आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत है कि अगर दोनों जो है, फॉर सपोज दोनों फ्रेम्स जो हैं वो सेम स्पीड्स में मूव कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के लिए रिलेटिव रेस्ट हैं। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। तो उनके लिए कोई टाइम मोशन मास, टाइम मास लेंथ कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर मूविंग फ्रेम है इसमें कोई जो है इसमें ही कोई बैठा है इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए टाइम वही सेम रहेगा, उसके लिए कोई चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ उसके लिए है कि जो कि रेस्ट में है। ठीक है, तो ये थे इसके तीन जो है पॉइंट्स, और चौथा पॉइंट्स जो था सिंपल था, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, जो कि हम मतलब कि आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 19 में भी। अच्छा, इसकी कॉमन एक कॉमन कन्फ्यूजन जो है वो मैं दूर करूँगा बस यहाँ पे, और फिर इस वीडियो को एंड करूँगा कि कॉमन कन्फ्यूजन ये होती है कि यहाँ पे जो C है ये क्यों मौजूद है, ये C स्क्वायर क्यों मौजूद है। तो ये समझा जाता है कि मास जो है वो एनर्जी, ये जो इक्वेशन है ये सिंपल एनर्जी मास कन्वर्जन की इक्वेशन है, और सिंपल ये फिर इस पे ये समझा जाता है कि ये जब लाइट, जब चीज़ें जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू होंगी तभी मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सी स्क्वायर जस्ट फॉर कैलकुलेशन है कि कितना मास हम दें तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये जस्ट उसकी कैलकुलेशन है। मैं इसका एग्जांपल सिंपल आपको चैप्टर 19 से दूंगा कि एक यूरेनियम कुछ यूरेनियम पड़ा हुआ है, उसको आप हिट कर रहे हैं, और उसको आप हमने हिट किया था एटम बम बनाने में, हमने उसको स्लो न्यूट्रॉन से हिट किया था। तो यहाँ पे देखें आप कि हमने उसको स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या हमने उसको स्लो कर दिया था, यानी कि एनर्जी और मास के और उसमें से जो रेज निकली थी वो और क्या था, वो एनर्जी ही थी, वो मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और हम जो है उसमें जो गामा रेज, रेडियो एक्टिविटी, ये सब जो है गामा रेज हैं क्या है, एनर्जी पार्टिकल्स हैं। तो जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो मास से ही कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ज़रूरी उसके लिए यह नहीं है कि हम उसको स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें। तो ये सिंपल एक बात थी जो कन्फ्यूजन होती है कि मतलब कि रेडियो एक्टिविटी आप ही देख लें, रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे, यहाँ पहाड़ों पे तो पड़ी है, कोई स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी हम मूव कर रहे हैं उसको। तो यही सिंपल था कि एनर्जी ऑफ, ये आप कन्फ्यूजन दूर कर लें कि इसको स्पीड ऑफ लाइट से हमें मूव करने की ज़रूरत है, ये बस ये इसके उसके फाइंड आउट करने के लिए है कि E इक्वल्स टू MC स्क्वायर क्या होगा, और मतलब कि कितना मास हम दें तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, टाइम डायलेशन का भी एक छोटा सा आपको मैं वक्त दूंगा कि फॉर सपोज करें कि ओरिजिनल टाइम जो है वो है 2.24 सेकंड्स, और जो कि है V है वो है 0.9 C। तो फाइंड आउट करें कि जो ऑब्जर्व टाइम होगा वो क्या होगा, इन तीनों को कंक्लूड करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रॉपरली इनको, मैं आपके इनको कॉन्सेप्ट्स में फुल में शायद मैं इस तरह करूं कि मैं जो है टाइम डायलेशन और इन सब के अलग अलग वीडियोस बनाऊं ताकि आपको फुली क्लियर हो वो, और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा इंशाल्लाह। फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।